भोजपुरी की फिल्मों को हमेशा से बड़े ही लाइट अंदाज में लिया जाता है, उसे सीरियस लिया ही नहीं जाता। लेकिन अगर भोजपुरी में अच्छे सब्जेक्ट्स पर काम किया जाए तो फिल्मों को सीरियस भी लिया जाता है। और कौन कहता है बड़े से बड़ा डायरेक्टर और एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता। वैसे आपको बता दें, भोजपुरी की एक फिल्म का कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट हुआ था। फिल्म का नाम था फसल और उस फिल्म के डायरेक्टर हैं पराग पाटिल। इस फिल्म की शूटिंग 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है लखनऊ में। और आपको बता दें कि इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत ही अलग अंदाज में आपको नजर आएंगे और इस फिल्म के लीड हीरो हैं। लेकिन हीरो के साथ साथ, हीरोइन के साथ साथ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में विलन की भी बात होती है। तो हम आपको बता दें, इस फिल्म में पहली बार नज़र आएंगे आर्या बब्बर। जी हाँ, आर्या बब्बर राज बब्बर के बेटे हैं और इन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्मों में काम किया है, कई वेब सीरीज़ में काम किया है और पहली बार दिनेश लाल यादव के साथ निगेटिव रोल में नजर आएंगे आर्या बब्बर। और इस फिल्म को लेकर सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं। आपको ये भी बता दें कि फिल्म के जो निर्देशक हैं प्रेम राय, ये फिल्म के कॉन्सेप्ट को नया तो नहीं बता रहे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह रहे हैं कि इस फिल्म में वो आवाज़ ज़रूर उठेगी, वो समस्याओं को ज़रूर उठाया जाएगा जिस समस्याओं से हमारे देश का किसान आज दो चार रोज होता है, यानी कि वो समस्याएं जिसे वो रोज रूबरू होता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी में अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है, अश्लीलता है, भोजपुरी में हीरोज सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, तो उन्हें भोजपुरी के कुछ चुनिंदा और अच्छी फिल्में दिखानी ज़रूरी होंगी और आने वाले वक्त में फसल उनमें से एक मूवी ज़रूर होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।